हाई एंड वेलकम टू दिफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं उफा हुसैन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे वी आर सो नियर टू फिनिश दिस कोर्स एंड आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आई यू एस डेवलपमेंट एंड एंड देयर वी कैन ईजिली मेक आ इंटरेक्टिव काइंड ऑफ द एप्लीकेशन एज लाइक एंड्रॉइड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड

जानकारी मिले और नई टेक्नोलॉजी आप आसानी के साथ सीख सकें तो इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि जिस तरह से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सेस मॉडिफायर का होता है इसी तरह से सिर्फ प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट मौजूद है और वो क्या है कितने हैं किस किस तरह से आ, होते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एक्चुअली एक्सेस मॉडिफायर है क्या तो एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअली आपके वेरिएबल्स क्लास या फंक्शन की बाउंड्री को रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो किस हद तक या कहा तक एक्सेसिबल हो सकता है यानी ऐसे कीवर्ड जिसके ज़रिए से आप अपनी क्लास या फंक्शन को उनकी बाउंड्री पर रिस्ट्रिक्ट कर सकें एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं इसी तरह से स्विफ्ट uh, के अंदर नॉर्मली पांच तरह के एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल होते हैं जिनके नाम ओपन पब्लिक इंटरनल फाइल प्राइवेट और उसके बाद सिंपल प्राइवेट है तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द ओपन सो द ओपन विच मीन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव यानी कम से कम इसमें रिस्ट्रिक्शन मौजूद है एंटिटीज कैन बी एक्सीड फ्रॉम एनी फाइल इन द करंट मॉड्यूल और डिफरेंट मॉड्यूल फ़ाइल यानी जिस मॉड्यूल पर हमारे पास ओपन एक्सेस मॉडिफायर से इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ मौजूद है तो वो उसमें एक्सेसिबल है और साथ ही साथ डिफरेंट मॉड्यूल्स या क्लासेस के अंदर भी एक्सेसिबल है क्लास मेंबर्स या क्लासेस मेंबर्स विथ ओपन मोडिफायर कैन बी इनहेरिटेड ओवर रिडन एनी वेयर इन द करंट मॉड्यूल और डिफरेंट मॉड्यूल यानी जो चीज़ भी आपने ओपन एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस uh, मॉडिफायर के साथ इस्तेमाल किया है वो इनहेरिट भी हो सकती है ओवर राइड भी हो सकती है पूरे करंट मॉड्यूल में भी या फिर अगर आप डिफरेंट मॉड्यूल्स आपने अपने प्रोजेक्ट में बनाया हुआ तो आप उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा जो पब्लिक है लेस रिस्ट्रिक्टिव है एंटिटीज कैन बी एक्सीड इन द सेम और डिफरेंट मॉड्यूल एज लाइक दी ओपन बट क्लास मेंबर विथ ओपन मॉडिफायर कैन नॉट बी इनहेरिटेड ओवर रिडन एनी वेयर इन मॉड्यूल अदर देन द करंट मॉड्यूल यानी करंट मॉड्यूल में तो हो सकता है लेकिन दूसरे मॉड्यूल्स में जाकर वो ना तो इनहेरिट हो सकता है ना ही ओवर रिडन हो सकता है which one is the public access modifier and the third one uh, which is also important with respect to the working actually internal which is the default which mean if you didn't write any access modifier before declaration and defining the variables and class which means it's behave as like the internal access modifier

उसके बाद हमारे पास प्राइवेट फाइल फाइल प्राइवेट है और उसके बाद हमारे पास प्राइवेट मौजूद है तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो तीन चीज़ें हमने अभी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखी हैं सबसे पहले हम उसे छोटी सी एक्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं ताकि हमें साथ ही साथ थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें समझ में आए तो सबसे पहले हम अपने आर ई पी एल डॉट आई टी के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और ये प्रीवियस कोड है जिसे मैंने कमेंट कर रखा है जूम करते हैं और यहाँ से हम समझते हैं तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया ए के नाम से और इस ए क्लास के अंदर गोइंग बी द कैपिटल, यप। और इस ए क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पब्लिक वार ए इक्वल टू इंस्टेंस यानी जाहिर सी बात है जिस क्लास के अंदर मैं मौजूद हूं उस क्लास के अंदर रहते हुए मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ वाज रहे जब मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे नहीं लिखा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि हमें इंटरनल की जो डेफिनेशन बता रही थी वो ये थी कि आप यहाँ पर रहते हुए जब कोई भी नहीं लिखेंगे तो वो इंटरनल uh, ही एक्सेस मॉडिफायर होगा और इट अलाउ एंटिटीज़ टू बी यूज विथ इन एनी सोर्स फाइल इन द डिफाइंड मॉड्यूल बट नॉट आउटसाइड द मॉड्यूल द सेम लूज अप्लाई टू द इनहेरिट टू यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो बाउंड्री है वो सिर्फ करंट मॉड्यूल्स पर मौजूद है लिहाजा अगर मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो इंस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो भी क्या हो इंटरनल ही हो पब्लिक ना हो लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अपने इंस्टेंस को पब्लिक कर रहा हूँ लिहाजा अगर मैं इस बेस पर प्रोग्राम को चलाऊँगा तो इट वड शो आ कम्पाइलर एरर और कंपाइल एरर तो जैसे मैंने चलाया क्योंकि कोई भी इंस्टेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये कंपायल एर रियल टाइम पर ज़रूर शो करेगा ठीक है क्योंकि ये यहाँ पर पब्लिक हजार सी बात है कोई वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो कोई चीज़ यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं हो रही है लिहाजा ये नहीं हो रहा है इसी तरह से मैं चाहूँ तो एक और क्लास बना सकता हूँ ओपन क्लास बी और उसकी बॉडी के अंदर ये उसकी बॉडी है मैं चाहूँ तो इसकी बॉडी के अंदर भी इंस्टेंस बना सकता हूँ और बॉडी के बाहर भी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ओपन तो मैं बाहर आता हूँ इस लाइन को कॉपी करता हूँ ठीक है और यहां पर मैंने लिखा पब्लिक नॉट हेयर और हमने इससे कर दिया कैपिटल बी एंड इट्स ऑल्सो मूव टू कैपिटल बी विच मीन ओपन की डेफिनेशन अभी हमने ये देखी कि भाई ये जिसमें मौजूद है उसमें भी हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा इनहेरिट भी हो जाएगा ओवर भी हो जाएगा यानी इसके पास जो रिस्ट्रिक्टिव है वो बहुत कम है रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर मौजूद यही वजह है कि मैंने आउटसाइड बाउंड्री यहाँ पर पब्लिक के साथ कोशिश की है मैंने प्रोग्राम रन किया नो no एरर तो होपफुली दो चीज़ें आपको क्लियर होंगी अगर मैं पहली वाली क्लास को मजीद रेक्टिफाई uh, करूँ तो आपको याद होगा कि हमने पब्लिक के साथ किया था और अगर मैं इसी लाइन को आउटसाइड दी क्लास लेकर आऊँ ये इंटरनल है और इस बेस पे प्रोग्राम को रन करूं तो ये कंपाइल एरर शो करेगा ए के बेस पे क्योंकि अगर मैं बी वाली क्लास को हटा भी दूं यहाँ पर तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपाइल एरर वही आ रहा है क्योंकि ये इंटरनल है और हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो पब्लिक बेस किया है ठीक है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ ताकि जो लॉजिक हमारी चल रही है वो प्रॉपरली काम करती रहे दैट्स इट तो हमने इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर की वर्किंग देखी और ओपन की देख ली कि वो इन साइड एंड आउटसाइड दी बाउंड्री कैसे देख रही है इसी तरह से मैं एक प्राइवेट क्लास क्रिएट करता हूँ अब तो मैं आउटसाइड ऑफ दिस एरिया आता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ प्राइवेट को यूज़ करते हुए और हमने लिखा प्राइवेट क्लास सी एंड हेयर इज़ अ बॉडी फॉर द सी क्लास एंड आउटसाइड ऑफ दिस क्लास आई एम गोइंग टू द प्राइवेट इंस्टेंस तो मैंने प्राइवेट इंसेंस का इस्तेमाल किया यहाँ पर वे आर सी के लिए और अपने सी को कॉल कर लिया एज लाइक दिस ठीक है आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम एंड एवरी थिंग इज़ ओके ठीक है क्योंकि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ उसी जगह एक्सेसबल है जहाँ पर आप उसको बना रहे हो और अभी हमने प्राइवेट की डेफिनेशन यहाँ पर नहीं देखी थी हमने तीन की देखी थी तो प्राइवेट कह रहा है मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंटिटीज़ विद द एक्सेस लेवल कैन भी एक्सीड ओनली इन द इनक्लोज स्कोप ऑल्सो एनी एक्सटेंसिव टू दैट डिकलेशन हेज़ टू एक्सेस टू ठीक है यानी जब मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया तो उसे भी यहाँ पर क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया वाज रही ये क्लास तो खुद ही प्राइवेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने इस इंस्टेंस को इस क्लास के बाहर कॉल कर रहा हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मैंने प्राइवेट किया वह मैं प्राइवेट हटा देता हूँ प्राइवेट की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस क्लास के अंदर बनाया गया वहीं उसको एक्सेस किया जा सकता है तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने इसको रन करने की कोशिश की तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मस्ट बी डिक्लेयर प्राइवेट और फाइल टाइप बिकॉज इट्स अ टाइप सी यूज़ अ प्राइवेट टाइप तो अगर आप प्राइवेट टाइप यूज़ कर रहे हो तो उसका इंस्टेंस बनाने के लिए ज़रूरी है या तो आप प्राइवेट यूज़ करो या फाइल प्राइवेट यूज़ करो तो इस तरह से तीन एक्सेस मॉडिफायर को हमने बेसिक एग्जाम्पल के ज़रिए से देखा कि एक्चुअली ओपन क्या है इंटरनल क्या है पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली एक दो एग्ज़ाम्पल हम और करेंगे फाइल प्राइवेट भी हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी तक हमने ओपन भी देख लिया पब्लिक भी देख लिया प्राइवेट भी देखा इंटरनल तो हमें वैसे ही समझ में आ गया क्योंकि कुछ लिखना नहीं होता है एक एग्जाम्पल हम फाइल प्राइवेट के लिए भी करते हैं और कोशिश करेंगे गेट सेट मैथड को इस्तेमाल करें जिस तरह से हमने इनकेप्सुलेशन में इस्तेमाल किया था ताकि हमें बात क्लियरली समझ में आ जाए तो मैं कुछ कमेंट्स में यहाँ पर शो कर देता हूँ सो आई हैव रिटन द कमेंट्स हेयर फॉर द इंटरनल यूजेज ओपन यूजेज Public usage, private, and the last one is the file, private, which I'm going to write here. Let's zoom it now. Here it is. So, first create two variables by data type double, and the value will be anything like this. And second variable is the length and breadth. Double and the value is 1.1. Then I'm going to make a, a variable as like for the get and set method. So the file private var area by using the l and b variable, which means length and breadth. I'm using uh, get and set method here. So variable area is going to be double as well because it's using the two uh, double values. And inside this get set method, the first one is the get. Body and the set and body. So inside the get I'm going to return length and breadth multiplication product of these as like this. Okay. And the set value set the length. So I'm going to set the length in the base of new area. डिवाइड बाय वट एवर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ तो न्यू वैल्यू विच मीन द वैल्यू कम्स फ्राम द इंस्टेंस जो आप इंस्टेंस बनाते वक्त वैल्यू दोगे वो उस बेस पर यहाँ पर चलेगा तो मैं जूम आउट करता हूँ और अपने प्रोग्राम को सिर्फ अभी रन कर रहा हूँ ताकि इंस्टेंस बेस हमें वैल्यू समझ में आए जहरसी बात है उसे न्यू एरिया यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है यानी न्यू वैल्यू नहीं मिल रही है जो हमारी इंस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है सो आइडेंटिफाई फॉर द एर न्यू एरिया इज नॉट अ न्यू एरिया की वट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन द Uh, encapsulation topic the value will be new value by the syntax using the syntax of the swift and uh, make it meaningful manner uh, paste this code inside any class to make the instance and use in the specific according to the definition of file private manner so i am going to write class and file base is the name of this class bracket start and body will be close here एंड देन क्रिएट अ इंस्टेंस सो इन साइड द क्लास आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं हमने प्राइवेट वेरिएबल का इस्तेमाल फाइल प्राइवेट का इस्तेमाल करते हुए गेट सेट मैथड किए और हमें इस वक्त ये न्यू वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है एरिया वेरिएबल्स की लिहाजा फाइल बेस का मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा एज लाइक दिस और इस इंस्टेंस इस इस के अंदर मैंने एरिया की वैल्यू बनाई और उसी बताई और उसके बाद उसे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ लिहाजा आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम और आप देख रहे हैं अच्छा जी ये एरर है तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो प्रीवियस वाली बात है और अब हम देख रहे हैं कि इस फाइल बेस के ज़रिए से गेट सेट को यूज़ करते हुए मैंने अपने फ़ाइल प्राइवेट को भी यूज़ कर लिया तो लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फाइल प्राइवेट द एक्सेस लेवल रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ़ द इंटिटीज टू द करंट फाइल ऑनली यानी इसके ज़रिए से आप सिर्फ जिस करंट फाइल पर इस्तेमाल काम कर रहे हैं उस हद तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर, कर सकते हैं सब क्लासिंग अ फाइल प्राइवेट क्लास वुड रिक्वायर्ड यू टू स्पेसिफाई द सब क्लास एक्सेस लेवल टू फाइल प्राइवेट और टू मोर रिस्ट्रिक्ट वन यानी अगर आप इस चीज़ को मजीद स्पेसिफिक करना चाह रहे हो तो उसके सब क्लास के अंदर भी आपको उसको वाजे करना होगा कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है तो अगर मैं डायग्रामेटिक व्यू में अब इस चीज़ को दिखाऊँ कि ओपन पब्लिक इंटरनल फाइल प्राइवेट और ओनली प्राइवेट के दरम्यान लेवल ऑफ इंटरेक्शन या लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या है तो यह हमें मज़ीद भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी सो हेयर इज़ द अनदर इमेज इन विच द फाइव एक्सेस मॉडिफायर इज प्रेजेंट देयर एंड देर इज़ ऑन एरो शोज द रिस्ट्रिक्ट एंड एक्सेस बाउंड्री

उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा है आप इस एरो को देख के बखूबी समझ सकते हो कि हम ओपन के बाद पब्लिक पब्लिक के बाद इंटरनल फाइल प्राइवेट और प्राइवेट को इस्तेमाल करते हुए अपने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाउंड्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसी चीज़ को अभी हमने प्रैक्टिकली छोटे एग्जाम्पल के ज़रिए से करके देखा कि हम एक क्लास इंटरनल और उसका इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं फिर ओपन कैसे बना कर यूज़ कर सकते हैं पब्लिक कैसे बना कर यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट और उसके बाद हमने फाइल प्राइवेट के लिए एक क्लास के अंदर गेट सेट मैथड को यूज़ करके देखा कि उसकी बाउंड्री कैसे डिफ़ाइन हो रही है तो जैसे जैसे आप इसमें परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहेंगे और जब हम आई पे जाएंगे तो इन चीज़ों को मज़ीद भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें मज़ीद बेहतर तरीके से ये बात समझ में आने लग जाएगी कि ये पांच तरह के एक्सेस मॉडिफायर हैं कि एक्चुअली ये किस तरह से काम करते हैं और हमारी रिस्ट्रिक्शन मज़ीद बेहतर से बेहतर किस तरह से बना सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरबक जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्त नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर आसानी के साथ सीख सकें है। जो भी कोड मैंने यहाँ परफॉर्म किया या कंटेंट रिलेटेड मटेरियल आपसे डिस्कस किया जाता है वो तमाम मेरे ब्लॉग फादरसैन सी एस ब्लॉग डॉट कॉम पर मौजूद है फ्रीली वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं थैंक यू